हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। ऊपर तो सारे भाई बढ़िया हो गए, मैं बहुत बढ़िया हूँ। वीडियो कर दो लाइक, चैनल कर दो सब्सक्राइब। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ R15, जो कि एक्सेसरीज से ना लपालप भरी हुई है। मतलब फ्रंट टू बैक तक देखेंगे ना तो पूरी एक्सेसरीज से लोड हो रखी है बाइक। मतलब R15 ने बहुत देखी होगी, बट ऐसी R15 देखी होगी जिसके अंदर इतनी लोडिंग हो रखी है। एक आध चीज में मिसिंग है, जैसे कि प्रोड्यूस वगैरह आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, तो बाइक दरअसल ये खड़ी हुई थी काफी टाइम से। तो आज जो है वीडियो के लिए जो है ना भाई इसको लेके मतलब निकाला है हमने, पॉलिश वॉलिश कराई और बाइक वॉश कराई, तो प्रोड्यूस जो है इसमें बहुत जल्दी एड ऑन हो जाएगी। बस यही इसमें कमी है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी इसमें चीजें लगी हुई है, ठीक है, या फिर सीट कॉल बोलूंगा वो मिसिंग है। तो बस बाकी जो इसमें एक्सेसरीज है जो मैं वीडियो लेके आप लोगों के लिए, तो इसमें मैं आपको एक्सेसरीज दिखाता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ कि भैया क्या क्या चीजें लगा रखी है, किस किस चीज के लिए, मतलब प्रोटेक्शन की प्रोटेक्शन और लुक का लुक रहने वाला है। तो फटाफट इधर आ जाओ क्लोज में। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है यहाँ पर शॉकर पे देखो, एक्सल के बाद जो फ्रेम स्लाइडर जिसे बोलते हैं वो लगे हुए हैं यहाँ पर शॉकर की प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पर जो है हमारे अपसाइड डाउन फोर्स देखने मिलेंगे उसकी प्रोटेक्शन के लिए, प्लस लुक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा जो है मेटल का रहने वाला है गोल्डन कलर में, जैसे कि ये गोल्डन है ऐसे ही रहने वाला है। बट अब बात आती है आफ्टर मार्केट और कंपनी की, तो देखो ये कंपनी है गोल्डन और ये आफ्टर मार्केट गोल्डन, तो इसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये तकरीबन डेढ़ साल पुराना हो गया, इसकी वजह से कलर इसका थोड़ा सा फेड हो गया। यहाँ पे R15 देखने को मिलेगा, नंबर प्लेट फ्रेम देखने को मिलेगा, देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये भी आफ्टर मार्केट रहने वाला है, इसमें नंबर प्लेट यहाँ जाती है, वरना फिर आपको यहाँ लगानी पड़ेगी ऊपर। बाकी अगर इधर की बात करें तो यहाँ पर ये वाला बोल्ट देखो, ये देखो बेसिकली ये बोल्ट नहीं है, बोल्ट के कवर है प्लास्टिक के, ये बाहर निकल जाते हैं, वरना फिर आपको ऐसा मिलता है कंपनी से, ठीक है। तो इसके लुक को एनहेंस करने के लिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक का जो है कवर लगा रखा है। ये पूरी किट आती है, बेसिकली पूरी किट आती है ना वाली, ठीक है, पूरी किट आती है। इसी के साथ में यहाँ पर फेयरिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर R15 की आपको स्टिकर देखने को मिलेगा, उसके साथ में यहाँ पर आपको विंगलेट देखने को मिलेगा जो कि प्लास्टिक का रहने वाला है। ये मतलब स्टिकी होते हैं, बट ऐसे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो या फिर बहुत ज़्यादा ऐसी पकड़ो के निकले ना, ये निकल सकते हैं, कोई भी आराम से निकल सकता है। बट बात करें लुक की, तो भाई लुक जो है इससे काफ़ी एनहेंस हो जाता है। इसमें और भी मॉडल्स आते हैं जो थोड़े बड़े होते हैं, नीचे डाउन हो रहा होता है, तो इसमें वेरियंट मिल जाएंगे काफ़ी सारे। तो इसमें यहाँ पे एक विंगलेट देखने को मिलेगा छोटा सा, इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर LED इंडिकेटर देखने को मिलेगा जो कि बॉडी में पूरा एडजस्ट हो जाता है, इसलिए ये बाहर नहीं निकलता, बाहर वाले काफ़ी ऑकवर्ड लगते हैं, बट ये वाले जो बॉडी के साथ में लग जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, LED रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको देखने में मिलेगा यहाँ पर क्रैश गार्ड, जी हाँ सही सुना आपने, क्रैश गार्ड मिलेगा। दो यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर मिलेंगे, काफ़ी मोटे मोटे, काफ़ी हैवी से लग रहे हैं देखने में, ये भी आपको आफ्टर मार्केट मिल जाएंगे। बट वही वाली बात है कि आफ्टर मार्केट तो आफ्टर मार्केट होता है, कंपनी का होता तो अलग बात होती है। जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी, जो इधर इधर से दिखाएंगे, यहाँ वेल्डिंग देखो, यहाँ वेल्डिंग बल्कि रस्टिंग मिलेगी आपको, थोड़ा सा पेंट यहाँ पे जो है खराब देखने को मिलेगा, रस्टिंग यहाँ पे आ गई है क्योंकि ये आफ्टर मार्केट है, ठीक है। और ऐसी लगाने के लिए थोड़ी सी ना इनकी वेरेंटेड ज़्यादा रहती है, गाड़ी जैसे कि ना होता है ज़्यादा चलती नहीं है, खड़ी रहती है, जिसके वजह से यहाँ पे रस्टिंग देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो ये देख सकते हैं आप, ये क्रैंक केसिंग जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हमने कवर लगा रखा है, देख सकते हैं ये भी मेटल का रहने वाला है पूरा। यहाँ पे भी आपको R15 की बैजिंग मिल जाएगी, और इसका भी कलर अगेन बोलूँगा थोड़ा सा ना अलग फेड सा हो गया, यहाँ पे ब्लैक एंड गोल्डन का टच देखने को मिलेगा, तो ये बहुत बढ़िया है। बाकी अगर जैसे ये बात करूँ कैप के, उनकी जो बोल्ट के कैप होते हैं यहाँ पे देखो, प्लास्टिक के अगेन यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ पे इसकी कैप बदली गई है, जो पीछे की रियर ब्रेक का जो हमारा मास्टर सिलेंडर है, ये इसमें फ्यूल होता है पीछे की ब्रेक के लिए, तो उसकी कैप है, इस पर भी हमें R15 देखने को मिलेगा ऊपर। ये देखो यहाँ पर देखो कवर लगा रखे हमने, ठीक है, ये कवर है ये। और बाकी पीछे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पीछे का जो पैनल आता है कंपनी का, ये बहुत ज़्यादा हल्का बनाया कंपनी ने, बहुत कंप्लेंट है, लेकिन इस पर काम ही नहीं कर दिया R15, क्योंकि भाई लुक इसी से बनता है। अब ये लुक के चक्कर में इतना कमज़ोर बना दिया कि हल्का सा लगता ही टूट जाता है, तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर एक तरह से क्रैश गार्ड का काम भी करता है ये, और प्लस पैनल प्रोटेक्शन भी करता है ये, तो ये लगा रखा है यहाँ पे। इसी के जस्ट नीचे पिलियन के लिए भाई लगा रखा है हमने फुटरेस्ट एक्स्ट्रा, वैसे तो कंपनी देती है ये वाला, ये काफ़ी प्रीमियम है, काफ़ी बढ़िया है, बट ये वाला लगा रखा है ताकि पीछे का जो एग्जॉस्ट की जो हीट शील्ड है, ठीक है, स्टॉक की जो हेड शील्ड है वो अगर आप मॉविच की आती है ये वाली, तो स्पेस राइट ना है, इसकी वजह से यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फुटरेस्ट लगा था ताकि आराम से पिलियन का पैर लग पाए। बाकी थोड़ा सा इधर से दिखाएंगे यहाँ पर, तो टायर अगर एक तो ये लगा हुआ है इसमें, ठीक है, ये हो गया कंपनी वाला और ये हो गया आफ्टर मार्केट वाला, जिसके क्या होता है लुक अच्छा आता है, काफ़ी बढ़िया आता है देखने में। ये देख सकते हैं ये जो है ना ABS फाइबर का होता है, ये मतलब कि बहुत जल्दी टूटने वाला फाइबर नहीं है, इसे ABS बोलते हैं, ठीक है जी। और बाकी इधर थोड़ा सा इधर आएंगे आप, इधर से दिखाएंगे आप, तो जो ये टायर अगर है इसके जो बोल्ट है इसके ऊपर भी कैप लगा रखी है, देख सकते हैं आप, तो इससे क्या है थोड़ा थोड़ा चीज़ों से ना लुक एनहेंस होता है, ये डिटेलिंग वाली चीज़ें होती हैं, ठीक। अगेन यहाँ पर मिलेगा हमारे को एक और फुटरेस्ट, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ओपन जेनसेट तो कंपनी देती है सिंगल वाला, बट यहाँ पर हमने ना मेटल का डाल रखा है जो कि गोल्डन वाला शेप दे रहा है, देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये, ठीक है। और ये जो है ना भाई साहब ये लगा लो लेजर कट डिज़ाइन वाला जो है अपना चेन कवर रहने वाला है, ठीक है। और इधर से इधर की तरफ बढ़ेंगे
तो यहाँ पर देखो जो चेन हमारे जो आगे वाला स्प्रॉकेट होता है उसका कवर हमने लगा रखा है यहाँ पे, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है यार ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मतलब छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है यहाँ पे जो है, ये लीवर प्रोटेक्टर जो होता है हमारा प्रोटेप वगैरह लगा रखा है जिससे हमारे जूते होते फटते फटते नहीं है। यहाँ पे जो हमने एक वो लगा रखा है स्टैंड के लिए ताकि बाइक धसे बसे ना, ठीक है, इसको स्टैंड पता नहीं क्या बोलते हैं, इसको याद नहीं आ रहा मुझे, स्टैंड शू बोलते हैं आई गेस, तो वो लगा रखा है यहाँ पर। और अगेन यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारे को ये वाला क्रैश गार्ड, ठीक है। और ऊपर तरफ आएंगे यहाँ पर तो आपको लीवर मिलेंगे जो कि मॉक्सी करने वाले एडजस्टेबल, ठीक है जी। और यहाँ पर लीवर प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा जिसमें कार्बन फाइबर टच मिलेगा, और ये देख सकते हैं ये भी गोल्डन मिलने वाला है यहाँ पर, तो ऐसा कुछ रहने वाला है। इधर मिलेगा आपको सिमटेक का चार्जर, ठीक है। और चाबी की बात करें तो चाबी देख सकते हैं आप, चाबी की बात कर सकते हैं ये देखिए, तो इसका भी कवर मिलता है आर एम फाइव के साथ। यहाँ पर खांस ले, अच्छे से पहले खांस ले, ओके। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाबी मिलेगी आपको आर एम फाइव के साथ, इसका कवर मिल जाता है, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है चाबियाँ ऐसी वाली, तो ये देख सकते हैं आप। और बाकी यहाँ पर जो है ये देखो मास्टर सिलेंडर है इसका, जो ऑयल कंटेनर है इसकी कैप पे हमने ये लगा रखा है, देख सकते हैं आप गोल्डन वाला, इसमें आर एम फाइव मिल जाता है, ठीक है। सेम अगेन यहाँ पर मिलेगा, बाकी स्टॉक मिरर है इसके अंदर, पहले लगे थे लाइटिंग वाले जो यहाँ पे लाइट आती है ना इंडिकेटर के ऊपर, तो वो हटवा दिए थे, वो ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं थे, वैसे हटा के स्टॉक लगा रहे थे यहाँ पे। टैंक पे यहाँ पे टैंक पैड मिलेगा, देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े एरिया में कवर होता है, जैसे बेल्ट वेल्ट पहनते हो तो उससे स्क्रैच ना है, तो इसकी वजह से पूरा ही लगा हुआ है, ये पूरा थाई पैड तक काम करता है। यहाँ पे भी आर एम फाइव की बैजिंग मिल जाएगी आपको। बाकी सीट की थोड़ी सी कुशनिंग बढ़ा रखी है, देख सकते हैं आप, तो ये सॉफ्ट जो है कुशनिंग रहने वाली है इसकी। पिलियन वाली जो है ये भी कर रखी है, और ये राइडर वाली ये भी कर रखी है, तो ऐसी कुछ बाइक रहने वाली है आर एम फाइव जिसमें हमने इतनी सारी लोडिंग से ला रखी है। आ जाए चलेगा, बस यही तो है और तो कुछ नहीं है ना, ठीक है। हाँ बताया, ठीक है बता देते काट गए। तो दोस्तों ये रहने वाली है आर एन फाइव जिसमें इतनी सारी लोडिंग्स हो रखी है, देखा आपने। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी ज़्यादा चीज़ बेकार लगी। मतलब कि वैसे तो सारी चीज़ें यूज़ वाली हैं, जो ऐसा तो है नहीं किसी का यूज़ ना हो, हर चीज़ का एक कोई ना कोई पर्पज़ है इस वजह से लगा रखी है। जैसे कि आगे एल ई डी इंडिकेटर लगा रखें तो पीछे भी एल ई डी इंडिकेटर लगा रखें, काफ़ी सारे लोग यहाँ लगवा लेते हैं इंडिकेटर अंदर की तरफ, बट इसमें यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है जी। बस यही इसमें काम हो रखा है, बाकी बाइक का लुक आपके सामने ही है। आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी ये मॉडिफाई आर एन फाइव वी फोर, ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।